बच्चों, आज हम सीखेंगे आ की मात्रा का अभ्यास। आ की मात्रा कैसी होती है पहले हम उसकी पहचान करेंगे। देखिए, एक सीधी रेखा और उसके ऊपर एक लेटी हुई रेखा, ये है हमारी आ की मात्रा। इसे हम कैसे पढ़ते हैं? जब हम व्यंजनों के साथ इसे लगाते हैं, इसके पीछे की तरफ इसे हम लगाएंगे, आ का उच्चारण बदल जाता है खा। इसी प्रकार च, च पर आ की मात्रा चा, छ, छ पर आ की मात्रा छ। अब हम इन्हें वर्णों के साथ जोड़ेंगे। देखिए, आ की मात्रा का जोड़ किस प्रकार होता है? क आ की मात्रा जमा न, का न, कान, त, त पर आ की मात्रा ता, जमा ल, ल पर आ की मात्रा ला। इन्हें मिलाकर क्या बना? ता काजल। क्या शब्द बना हमारा? का ज ल, काजल। इस तरह से हम आ की मात्रा के जोड़ को करते हैं। चलिए अब हम कुछ और शब्द लिखेंगे और उन्हें पढ़ेंगे। जैसे भ रा भरा, ता ला ताला, पा ठ पाठ शा ला पाठशाला, ब ब पर आ की मात्रा द ल बादल, क क पर आ की मात्रा ग ज कागज, भरा ताला पाठशाला बादल कागज। बच्चों, अब आप भी इसी प्रकार आ की मात्रा के कुछ शब्दों को याद कीजिए। थैंक यू।